हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, विश्व भर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसने सभी का दिल दहला कर रख दिया। दोस्तों, भारत देश में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में सोचकर आज भी हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। जैसा कि दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें सबसे ज्यादा सर्व प्रमुख माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उनका क्या दोष था, क्योंकि वह तो एक सिर्फ त्योहार बनाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके ऊपर गोलीबारी कर दी जाएगी और सबको मौत का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार उनका क्या दोष था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी ही घटना के बारे में जो कि वास्तव में सभी के रोंगटे खड़े कर देती है, जो कि हुई थी रशिया में यानी रूस में। दोस्तों, बता दूं 1905 में ये घटना घटित हुई थी और उस समय वहां के राजा थे यानी वहां के जार थे, जार निकोलस द्वितीय। दोस्तों, हम बता दूं कि काफी सारे जो मजदूर हुआ करते थे वहां पर, वह उनसे काफी ज्यादा असंतुष्ट थे, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जो जार निकोलस द्वितीय थे वह निरंकुश हो चुके थे और जो मन में आता था वह करते थे। जैसा कि प्रजा के जो उनके हक होते हैं उन्हें भी छीन लेना और उनकी जो जहां पर वह कृषि वगैरह करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, एक तो उनसे असीमित तौर पर मजदूरी कराना, लंबे समय तक काम करवाना, उसके बाद छोटा सा मूल्य उन्हें देना या फिर मूल्य अगर कोई ज्यादा मांगता तो उसे सीधे कारागार में डाल दिया जाना, और वहीं पे जो किसान थे उनकी भूमि को हड़प लेना, और वहीं पे दोस्तों कुछ ऐसे कारनामे उन्होंने किए जिसके कारण जनता में काफी ज्यादा असंतोष फैला और उन्हें विरोध करना ही पड़ा, और लगभग 1.5 लाख मजदूरों का संगठन बना। और दोस्तों, उन जो 1.5 लाख लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे, मजदूर संगठन का जो नेतृत्व कर रहे थे, वह थे पादरी गैम्पो। दोस्तों, मैं बता दूं कि उनके नेतृत्व में जब उन्होंने सभी ने आवाज उठाई और जब वह जो शासक था वहां का जार निकोलस द्वितीय उसके निवास की ओर यानी उसके महल की ओर बढ़े, तब जो जार निकोलस द्वितीय था, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बिना कुछ सोचे उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर सबको खत्म कर दो। और दोस्तों, जब भी वह वहां पर सेना पहुंची तो वहां पर देखा कि मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है तो जो सैनिक थे वह भी घबरा गए, ऐसा माना जाता है, और कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आदेश का पालन किया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे, सीधे अपनी बंदूकें निकाली, अपनी राइफल वगैरह जो भी थी उनके पास निकाली और सीधे जनता पर बिना कुछ देखे उनके ऊपर फायरिंग कर दी। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1.5 लाख लोगों ने जब देखा कि ऐसे फायरिंग की जा रही है तो दोस्तों वह सब में भगदड़ मच गई और ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, 150 लोग है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि 1.5 लाख मजदूरों का वह संगठन था पूरा, लेकिन उसमें कितने लोग वहां पर आए होंगे तो उसकी संख्या निर्धारित आज भी फिक्स नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाता है वह 150 लोगों की मृत्यु और भागा दौड़ी में जो कि भगदड़ में जो लोग घायल हुए थे उनकी मृत्यु हुई वो अलग। तो ऐसे में दोस्तों ये आंकड़ा कहीं जगह पर 300 और कहीं पर हजारों पार करता है, लेकिन जो सबसे मेन माना जाता है कि जो गोली खाकर मरे थे वह थे 150 लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार से जार निकोलस द्वितीय के एक गलत आदेश से सीधे के सीधे 150 लोगों की मृत्यु हो गई और जो नुकसान हुआ बाकी लोग घायल हुए वह अलग। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इसे खूनी रविवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उस दिन रविवार था जिस दिन ये घटना घटित हुई, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। और दोस्तों, इस इतिहास में इतना ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है, इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए माना गया है क्योंकि जो 1.5 लाख मजदूर थे उनमें औरतें और उनके बच्चे और सब छोटे छोटे बच्चे तक थे, क्योंकि दोस्तों मजदूरों का जो संगठन था उसमें सभी शामिल हुए क्योंकि सभी की मांग थी, सभी की जरूरतें थी जो उन्हें पूरी करनी थी, लेकिन शायद जार निकोलस द्वितीय के क्रूरता के आगे वैन नहीं टिक पाए और दोस्तों सभी के ऊपर फायरिंग कर दी गई और रूस के इतिहास में यानी रशिया के इतिहास में इसे ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। दोस्तों, जो इतिहास के स्टूडेंट है यानी हिस्ट्री के स्टूडेंट है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्कूल लेवल पे भी काफी ज्यादा हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलती है और उसके बाद भी हमें काफी ज्यादा काम आती है। दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में, दोस्तों आपके विचार क्या है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी घटना पता है, ऐसा वर्णन पता है जो अन्य लोगों को शायद नहीं पता हो, दोस्तों आप मेरे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम पूरे जो लोग हैं उन तक ये वीडियो बनाकर उसको पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो आप फिर से उठूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।